सलमान खान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर यानी 12 नवंबर को रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन इसने बम्पर कमाई के साथ ओपनिंग कर ली। ये सलमान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। अब तक भारत सलमान के करियर की हाईएस्ट ओपनर थी, लेकिन अब इसकी जगह टाइगर 3 ने ले ली है। दिलचस्प बात यह है कि टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग से पहले दिन 22.97 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि रिलीज डेट वाले दिन 21.53 करोड़ की स्पॉट बुकिंग भी हुई। हालांकि दिवाली वाले दिन रिलीज करने के कारण फिल्म को नुकसान भी हुआ। दरअसल ओपनिंग डे की कमाई के मामले में टाइगर 3 शाहरुख खान की पठान और जवान को पछाड़ नहीं पाई। ओपनिंग डे पर टाइगर 3 का कितना बिजनेस रहा, कितना कलेक्शन किया, आइए जल्दी से जान लेते हैं। पर आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक के शोज में फिल्म ने खूब कमाई की, पर उसके बाद उसके कमाई में गिरावट आ गई। इसकी मुख्य वजह दिवाली का त्योहार लक्ष्मी पूजा रही, लेकिन फिल्म तो असली काम दिनों के शोज में ही कर चुकी थी। दिवाली पर टाइगर 3 को कमाई का दोपहर 3 बजे तक भरपूर मौका मिला और यही वजह रही कि इससे तगड़ी कमाई भी हुई। वाल आपको बता दें, ये जो फिल्म है जिस हिसाब से कमाई कर रही है, लग रहा है कि ये सलमान खान के करियर की काफ़ी अच्छी फिल्म बनने वाली है। टाइगर 3 सलमान की करियर की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है। पहले 42 करोड़ की कमाई के साथ भारत सलमान की बड़ी ओपनर थी, लेकिन अब टाइगर 3 है। हालांकि ये शाहरुख खान की पठान और जवान का पहले दिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। वेल, फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।